अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर निखत। तो आज हम बात करने वाले हैं एब्डोमिनल बाइंडर के बारे में। डिलीवरी के दूसरे दिन से ही आपको बाइंडर बांधना चाहिए, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हुई हो चाहे सीज़र हुआ हो। दोनों ही कंडीशन में डिलीवरी के दूसरे दिन से ही बाइंडर बांधना चाहिए। बाइंडर बांधने के दो फायदे होते हैं। एक तो ये कि जो मसल फाइबर है वो कॉम्प्रेस हो जाती है, तो आपका जो है टमी अंदर होने में मदद मिलती है। और दूसरा फ़ायदा है, आपको पेन भी काफ़ी कम रहता है, और जब आप मूवमेंट्स करने लगते हैं तो आपको पेन कम महसूस होता है। वैसे डिलीवरी के बाद पेट को बांधने के लिए पहले दुपट्टा या साड़ी का यूज़ किया जाता था, लेकिन अब तो मार्केट में बहुत से बाइंडर अवेलेबल हैं, अलग अलग ब्रांड के अवेलेबल रहते हैं। तो कुछ बाइंडर है जो कि कभी कभी स्किन को सूट नहीं होते, और उसका जो मटेरियल है वो काफ़ी हार्ड होता है, उसके जो एजेस है वो काफ़ी हार्ड होते हैं, जिसकी वजह से ईचिंग होने लगती है, रैशेज आने लगते हैं, और हार्ड एज होने की वजह से कई बार स्किन में ज़ख़म भी हो जाता है। ज़्यादा लंबे समय तक हम उसे बांध के नहीं रख सकते, और कई बार जब हम उसे इस्तेमाल कर लेते हैं और जब थोड़े दिनों के बाद जब हमारा वज़न कम हो जाता है, थोड़े पतले हो जाते हैं, थोड़ा टमी अंदर चला जाता है, तो वो साइज़ लूज़ भी हो जाता है। वेल, मैं आपको सजेस्ट करूँगी टाइनोर का बाइंडर, इसके बारे में मैं आज आपको बताऊँगी। ये ब्रांड है टाइनोर का, और इसके बेल्ट की एक खासियत ये है कि ये बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल का बना होता है। एक इसमें ख़ास बात है, इसका साइज़ ये यूनिवर्सल साइज़ में आता है, क्योंकि अगर आप पहले फैटी फ्लैबी हो और बाद में अगर आपका वज़न कम हो गया हो तो इसके साइज़ में आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको इसको दूसरा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसी बेल्ट को यूज़ कर सकते हैं, इसका यूनिवर्सल साइज़ आता है। ये यूनिवर्सल साइज़ का है, तो आप देख सकते हो ये कितना सॉफ्ट मटेरियल है, और इसमें जो वेलक्रो है काफ़ी बड़ा वेलक्रो लगाया हुआ है इसमें। तो आप जो है यहाँ से स्टार्ट करके इसके साइज़ को आप इधर, या अगर आप बाद में कमी अगर अंदर हो गया हो तो आप इधर भी इस्तेमाल इसे कर सकते हैं। इसकी दूसरी ख़ास बात यह है कि ये बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल का बना हुआ है। इसकी एक और खासियत आप देखेंगे कि इसका जो एजेस है वो काफ़ी सॉफ्ट है। और ये काफ़ी स्ट्रेचेबल है। इसमें ज़्यादा स्वेटिंग भी नहीं होती, और ईचिंग और रैशेस की भी प्रॉब्लम नहीं होती है। और सबसे बड़ा इसका प्लस पॉइंट ये है इसके साइज़ का, इसका यूनिवर्सल साइज़ है, तो इसलिए जब आपका टमी अंदर भी हो जाएगा उसके बाद भी आप इसे यूज़ कर सकते हो, आपको दूसरा साइज़ लेने की ज़रूरत नहीं है, इसी में साइज़ एडजस्ट हो जाता है। और इसके जो एजेस है वो सॉफ्ट होने की वजह से आपको रैशेज नहीं होते, आपको कोई ज़ख्म नहीं होता, आपको कोई चोट नहीं पहुँचती है। तो वेल, डिलीवरी के बाद मैं आपको ये टाइनोर का बेल्ट ही सजेस्ट करती हूँ, जो कि बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत ही कम्फर्टेबल होता है। तो इसकी MRP जो है 796 रुपीज़ है। ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, और ये आपको मेडिकल स्टोर पे मिल जाता है। इवन आप जो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं उस हॉस्पिटल के मेडिकल स्टोर में वो लोग ये अवेलेबल रखते हैं, या फिर जहाँ सर्जिकल शॉप होती है, जहाँ पर हॉस्पिटल की सारी चीज़ें मिलती हैं, वहाँ पर भी ये अवेलेबल होते हैं, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।